Hey guys, this is Pratibha and you are watching PT Dhruv. आज इस पे मैं रिएक्शन वीडियो देने जा रही हूँ, वो है अभी मुफाद का, और इस पे मैं फर्स्ट टाइम रिएक्शन वीडियो देने जा रही हूँ। उससे पहले मैंने इनके बारे में बिल्कुल नहीं सुना था बस में, और मेरे को बस सजेशन हुआ, मैंने सोचा कि यार चलो जल्दी से बैठो और रिएक्शन दो। तो मैं आज पे रिएक्शन वीडियो देने जा रही हूँ, वो है अभी मुफाद का। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो गाइस, यार बहुत टाइम हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, तभी तो मैं जाके आर्टिस्ट को सपोर्ट कर पाऊंगी और तभी तो आप लोग मुझे देखेंगे और मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस जस्ट सपोर्ट मी। और बात करते हैं आज की ट्रैक के बारे में। तो जो ट्रैक का टाइटल है वो है राइड पे बाय मुफाद, सीजन ऑफ सैलाब एपिसोड, लेटेस्ट हिप हॉप सॉन्ग 2021। बात की जाए ट्रैक के बारे में राइड पे, तो रैप है मुफाद का, बीट है मेरे को नहीं आ रहा प्रोनाउंसिएशन करना, मैं नहीं कर रही, मृणाल, हंसना नहीं, मृणाल संभरवाल, आई डोंट थिंक कि मैंने शायद सही प्रोनाउंस किया है, बट आप मुझे कमेंट करके मुझे बता देना, आप लोग हो इसलिए मैं हूँ यहाँ पे। तो जस्ट कमेंट डाउन। और लिरिक्स है वो है मुफाद के, मिक्स मास्टर बाय उन्हीं के हैं जिनके सेकंड में है, और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन जिक्की मीडिया, वीडियो क्रेडिट एलम। ओके, लिरिक्स की बात की जाए तो मुफाद जो रैपिंग करेंगे वो भी मुफाद है, हमें इनसे मतलब है। तो शुरू करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो मेरा नाम इसका मिलता है पीटी की दुनिया से बी एम मुफाद की दुनिया में, लेट्स गो। एक मिनट, राइट पे है भाई सारे तो हिलती है मुंडिया, लाइक गर्दन या फिर लड़कियां, किस बारे में बात की जा रही है इधर? मेरे को मुझे इनको देख के ना लाइक विक्की कौशल है वैसी वाली वाइब्स आ रही है, आई डोंट नो, बट थोड़े थोड़े मुझे ऐसे ही दिख रहा है, बट विक्की कौशल नहीं है, बट मैच तो कर रहे हैं ना। राइट पे है भाई सारे हिलती है मुंडियां, गाने पहले भाई सुने उसके बाद दुनिया, ओवरटेक लेफ्ट से करेगा तो खाएगा राइट से, शीशा नीचे करके बैठे। ओके ओके ओके, गॉट इट। राइट पे सारे रखे पेटियों का दारू हो या कुर्सी की, लोडेड चले गाड़ी बैरिकेड देख के मूर्ति नहीं, स्माइल पास कर के सिपाहियों को, जॉइंट पास कर दिया भाइयों को, किस्मत है कुत्ती तो यार सारे कुत्ते छोड़ दिया सब पर कुत्ते नहीं सुटते एक सुबह। बहुत सही लाइन है, किस्मत है तो कुत्ते यार है सारे कुत्ते। बेइज्जती वाले या कॉम्प्लीमेंट वाले इस चीज को, बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल लॉर्ड नो वॉच वाला गाना है, मतलब लाइक बिल्कुल यारों वाला गाना है यार ये। अब तो आ गया जो कि ट्रैक, तो बंदे आजकल कब यही सिर्फ देखने सुनने को मिलेगा, और मेरे भाई लोग भी यही गाना सुनेंगे पूरा दिन, मुझे परेशान मान देंगे। चलो मूर्ति ने स्माइल पास कर के सिपाहियों को, जॉइंट पास कर दिया भाइयों को, किस्मत है कुत्ती तो यार सारे कुत्ते छोड़ दिया सब पर छूटते नहीं सुटते एक सुबह एक शाम एक साथ में, जब जाम बाकी बांटती है जितने तो सिग्नल पे छुट्टे वाला भाई का तो मिनट पे पहुंचते ठिकाने पे, क्योंकि नापते हैं डिस्टेंस हम गाने में, उनके साथ खर्चे 10 रुपए मैंने, उनके साथ ही तो मजा आता लाखों भी उड़ाने में। राइट पे है भाई सारे, राइट पे है भाई सारे हिलती है मुंडियां, गाने पहले भाई सुने उसके बाद दुनिया, ओवरटेक लेफ्ट से करेगा तो खाएगा राइट से, शीशा नीचे करके बेटे नापेंगे गुदियां। राइट पे है भाई सारे, राइट पे है भाई सारे, मिलते रहे सब से बे इतने भी वेले नहीं है, मिला काफी कुछ हम उसमें भी फैले नहीं है, नंबरों की गेम है तू पैसा लगा चूती में, घुसने से बढ़िया तो अकेले सही है, इन्हें कोई भी खरीद लेगा लक्ष्मी देके, ऐसी लानत की कमाई पे हम फक्सी देते, दिल्ली की भसड़ है तो तब तक चलेगी जब तक हार के रैपर माइक रख नहीं देते, रहते सब शांत पर बात हो। हाय हाय हाय,
आई रियली एंजॉयड. और जब मैं भी खुद कभी राइट वेट पे जाऊंगी तो यही लगने वाला है, क्योंकि लिरिक्स बहुत अच्छे हैं इनके और मजा आ रहा है सुनने में. लाइक बहुत ज्यादा कूल टाइप का है और मतलब बहुत ज्यादा रिलेटेबल. और जो लड़के होंगे उनके लिए तो मतलब ये लाइक ये ट्रैक ऐसा होगा कि यार बहुत ज्यादा रिलेटेबल है करके, कि अब तो भाई अब दिखाएंगे अपनी भाईगिरी, अब तो कोई भी आ जाओ अब तुमको बताते करके. उसने से बढ़िया तो अकेले सही है, इन्हें कोई भी खरीद लेगा लक्ष्मी देके. ऐसी हिम्मत की कमाई पे हम फक्सी देते, दिल्ली की भसड़ है तो तब तक चलेगी जब तक हार के एरर पर माइक रख नहीं देते. रहते सब शांत पर बात हो जो फाइट की, बाहर सीधा खींच लेते खिड़कियों से साइड की. प्रोटीन में बीफ भरा पड़ा तेरे भाई की, तेरे मैयत पे मैं गा देता पर रैपर हूं मैं गायक नहीं. आज भी नाम से है खौफ खाते बैक बेंचर्स, रोलर कोस्टर मेरी लाइफ रहता एडवेंचर. हमारी क्लास के कोई आसपास भी नहीं है, इन्हें लड़कियां भी गाली बके हट पैच. भाई पूरा लौंडो बाज वाला गाना है, पूरा का पूरा. कि तेरे मैयत पे मैं गा देता पर रैपर हूं मैं गायक नहीं. आज भी नाम से है खौफ खाते बैक बेंचर्स, रोलर कोस्टर मेरी लाइफ रहता एडवेंचर. हमारी क्लास के कोई आसपास भी नहीं है, इन्हें लड़कियां भी गाली बके हट पैच. भाई पे है भाई सारे राइट पे है भाई सारे हिलती हैं मुंडियां. गाने पहले भाई सुने उसके बाद दुनिया, ओवरटेक लेफ्ट से करेगा तो खाएगा राइट से. शीशा नीचे करके बेटे नाप देंगे बुद्धियां, नाप देंगे बुद्धियां. कॉप्स इन द हुड ले लग गई. सारे हिलती हैं मुंडियां, गाने पहले भाई सुने उसके बाद दुनिया. ओवरटेक लेफ्ट से करेगा तो खाएगा राइट से. शीशा नीचे करके बेटे नाप देंगे गुदियां. ओके फाइनली गाइस द ट्रैक इज ओवर. मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया वाला ट्रैक. और बात की जाए लिरिक्स की तो लिरिक्स बहुत ज़्यादा रिलेटेबल. मतलब लाइक आजकल के जो बंदे, अब तो उनको मिल गया ना कि अब ये वाला गाना सिर्फ चलेगा सबके अंदर. मतलब जब भी राइड में कोई भी बंदा जाएगा ये ट्रैक लगने का है और बिल्कुल लौंडोबाजी वाला का निकलेंगे. और फिर जैसे कि हर एक चीज़ में तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल ही हो रही थी. लाइक कि पेटियाँ रख ली है, और पेटियाँ मतलब समझ जाओ क्या पेटियाँ रख रही है, सीट बेल्ट अच्छे प्रॉपरली तरीके से बांधा है. अब निकलेंगे बिल्कुल बंदे बिल्कुल चिल पिल होके निकलेंगे और मस्ती मजाक और राइड पे है भाई सारे. लाइक टोटली अमेजिंग. मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार ट्रैक है. और फिर एट द एंड उन्होंने बताया कि लाइक पुलिस का सीन हो रहा है, पुलिस पीछे से आ रही है. और फिर उसमें भी वो बिल्कुल फन कर रहे हैं बिल्कुल चिल फिल. तो बहुत अच्छा लगा मुझे वाला ट्रैक. और आपको सबसे बेस्ट पार्ट, और मेरे ख्याल से सभी लड़के जो भी देख रहे होंगे इस पर रिएक्शन वीडियोज, वो भी वही सोच रहे हैं अरे भाई भाई पूरा रिलेटेबल है. तो बहुत ज़्यादा है. और आई थिंक सभी का ड्रीम्स होता है कि यार फ्रेंड्स के साथ हम राइड्स पर जाएँ वही वाला. तो वही सब सीन है और मज़ा तो उन्हीं के साथ आता है. तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको ये वाला ट्रैक कैसा लगा. और मुझे तो, मैंने तो फर्स्ट टाइम इनके बारे में सुना और तब जाके मैंने रिएक्शन दिया, तो मुझे तो रियली बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया वाला ट्रैक. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा रिएक्शन वीडियो उस पर कैसा लगा और नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आप किसके ऊपर देखना पसंद करेंगे. और गाइज अगर अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो कर दो यार, कर दो, इतना टाइम हो चुका है. मैं सोच रही हूँ कि करता क्यों नहीं है. आप लोग सिर्फ देखते हैं तो ये जो अच्छी बात नहीं है, आप देखते हैं व्यूज़ देते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो. तो यार आप लोगों का यही चीज़ है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए यार, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है. तो सपोर्ट कर लिया करो, लाइक कर लेना लाइक, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. आप लोग मुझे सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है न्यू वीडियोज़ लाने के लिए. तो प्लीज़ जस्ट गाइज सपोर्ट मी. और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल ऑन स्क्रीन है, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन वहाँ पे चाहिए, क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए. तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो, मेरे साथ बनो. तब तक के लिए भी ऐसे रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए पीटी की दुनिया में. तब तक के लिए बाय बाय. राइट पे भाई सारे.